तो दोस्तों एक बात मुझे आप लोगों के साथ और शेयर करना था, वो ये कि इस इंजरी में आप लोगों को पता है कि हमारी जो सेक्सुअल कंडीशन होती है वो भी पावर हमारी चली जाती है। आप समझ सकते हैं मेरी बातों से, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा मैं। तो उस कंडीशन में ये होता है दोस्तों कि आप जो आपके मन में एक डाउट आता है कि यार हमें आने वाले टाइम में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो शादी का दोस्तों एक अलग टॉपिक है। और मैं जानता हूँ कि अगर आपके कोई पार्टनर भी रहा होगा तो वो भी आपको बोलेगा कि हाँ मैं करूँगा शादी, आपसे ही करूँगा मैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ इंडिपेंडेंट हो चुके हो, कुछ काम अपने खुद से कर सकते हो और थोड़ा बहुत आपके बॉडी में और भी इम्प्रूवमेंट दिखा है, आपको लग रहा है हो रहा है, तो कुछ टाइम आप और अपने आप को दें और एक्सरसाइज कुछ और ज़्यादा करें। जबकि ये थॉट आपके माइंड में रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें इस थॉट को भी आप अलग वे में रखें अपने दिमाग। अब दोस्तों मैं अपना ही बताता हूँ उदाहरण कि स्टार्टिंग में मेरा आप लोगों को पता है कुछ भी कंट्रोल नहीं था, यूरिन पे भी किसी पर भी, एंड सारे मोमेंट चले गए थे सारे मोमेंट। तो फिर मैंने इसकी भी एक्सरसाइज की थी, पेनिस की भी, जो मैंने आप लोगों को पहले भी एक बार बता रखी है, जो कि कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो उससे मेरे को कुछ हल्का हल्का इम्प्रूवमेंट दिखा। तो आप भी इसकी एक्सरसाइज आप करें, आप जैसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे उस पर 70-80% आप लगभग मान सकते हैं इम्प्रूवमेंट है, और वो कम भी नहीं है एंड प्रॉपर भी नहीं है, लेकिन है इसमें इम्प्रूवमेंट इतना है। एंड रही बात शादी की, तो दोस्तों शादी तो देखो मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो प्रॉपर ही व्हील चेयर पे हो उनकी भी शादी होती है, तो शादी की कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सबसे पहले आपको खुद पर ध्यान देते हुए कि खुद को ठीक करना है मुझे, और इसको लेकर, इस विचार को मायने में लेकर चलें और आप हो जाओगे ठीक। अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करोगे, एक रूटीन बनाकर डेली एक्सरसाइज करोगे, तो बिल्कुल आप भी ठीक हो जाओगे। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि यार निखिल सर के इतना इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, हम भी इतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, निखिल सर ने एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा की। दूसरा, निखिल सर जो भी एक्सरसाइज करते थे वो उनका माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक यही गोल रहता था कि बस जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो, जो मूवमेंट कर रहे हैं, पूरा उनका ध्यान उसी पर रहता था, और उस तरीके से इम्प्रूवमेंट उनको देखने को मिला और आगे वो बढ़ते गए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2-4 महीने एक्सरसाइज करते हैं एंड उनको बाद में इम्प्रूवमेंट इतना देखने को नहीं मिलता या समझ नहीं आता है, क्योंकि इस इंजरी में जब आप शुरुआत में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको समझ भी नहीं आता है कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हो रही है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका माइंड प्रॉपर इम्प्रूवमेंट पर ही सेट हो रखा होता है कि हमारा पहले पैर इस तरह से मूव करता था, अब ये हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो उस जगह से आप हटें, क्योंकि अब वो सिचुएशन नहीं रही है, अब अलग तरीका है, मतलब पूरा ही पावर चली जा चुकी है। अब वो पावर आएगी तो जीरो से स्टार्ट होगी एंड उसमें टाइम भी लगेगा, और आपका पेशेंस, आप कितना पेशेंस रखते हो उसमें, वो भी बहुत बड़ा काम करता है इस इंजरी में। अब मुझे भी देख लिया आज दोस्तों, 4 साल कंप्लीट होने, 4 साल क्या 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे दिसंबर में, लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अभी। हाँ इम्प्रूवमेंट है, दिख रहा है मुझे, चलता हूँ मैं, लेकिन प्रॉपर वो नहीं है। लेकिन उस बात से ये नहीं है कि मैं निराश होकर बैठ जाऊँ, क्या मैंने 4 साल एक्सरसाइज की अभी तक तो मैं ऐसे ही ठीक हुआ हूँ, इतना ही ठीक हुआ हूँ, और करनी है और करते रहिए एक्सरसाइज, बस बंद ना कीजिए। और शादी की है तो शादी की टेंशन देखो सबको होती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको अपनी टेंशन लेने की ज़रूरत है, आप खुद पर ध्यान दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और शादी हो जाएगी। अगर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और आपका पार्टनर स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो वो बिल्कुल आपसे कर लेगा शादी। लेकिन देखो इसमें एक चीज़ और होती है, सिर्फ पार्टनर की आशा नहीं होती है, उसकी फैमिली वाले, वो भी आप लोगों को पता है, सब देखते हैं कि यार हमारी बेटी ऐसे है या हमारा बेटा एकदम सही है, वो ऐसे हैं तो उसके साथ कैसे क्या होगा, तो इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप एक बार इस बात से अपना ध्यान हटाएं और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, तो आपको भी इसका सॉल्यूशन दिखेगा सामने। तो बस मेरा तो यही कहना था, एंड बस अभी अपनी एक्सरसाइज अच्छे से चल रही है, थोड़ा बहुत दर्द भी रहता है इस इंजरी में, यार दर्द ना होना तो मैं कह रहा हूँ रिकवरी बहुत फास्ट आती है। दर्द लेके बैठ जाता है, दर्द होता है ना पाँव में, तब एक्सरसाइज कुछ भी नहीं होती है, फिर टेबलेट लो, ये करो वो करो फालतू के। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों, होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे एंड अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। एक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि आज जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था या फिर मैं मतलब रात को सोया था, तब मेरे लेफ्ट लेग में एक अजीब तरह का पेन हुआ। पेन इन द सेंस मैं शाम को नहाया था एंड उसके बाद जब पानी में जब डालते हैं शरीर पे, तो मेरे एक अजीब सी जलन सी फील हुई थी। आई डोंट नो वो सेंसेशन था या क्या था, मतलब एक अजीब सा ठंडा ठंडा जैसा लगता है ना पाँव में, उस टाइप का फीलिंग था मेरे। तो आज भी मैं ट्राई करूंगा शाम को, क्योंकि मैं एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा हूँ अभी, क्या पता कुछ सेंसेशन का ही हो। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अभी मैं अच्छा साइकिल भी चला ली मैंने और उठक बैठक कर रहा हूँ, एंड उसके बाद फिर एंकल की केगल की सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन अच्छे से। बस पाँव को मजबूत करना है और एकदम मजबूत करना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज में मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ये करता हूँ। ये इसलिए करता हूँ, मुझे सबसे एक तो इजी लगता है, एंड इसको करते करते मतलब टाइम का भी मुझे पता नहीं चलता, आधी घंटा पौन घंटा एक घंटा भी हो जाता है बैठे बैठे। तो जब भी मेरे से चेयर पर बैठने का होता है, तब तो मैं ये लेके बैठ जाता हूँ, इससे करता रहता हूँ कंटिन्यू। पहले आपको पता है जब ये होता था, तब तो दोनों पाँव आपस में इकट्ठा हो जाते थे, ये शुरू में नहीं होती थी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस कहते हैं ना, सब कुछ हो जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, खाली नहीं बैठना है। जब भी आपको ऐसा लगे आप फ्री बैठे हो, तो कुछ ना कुछ सोचें कि यार ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास ऐसा इक्विपमेंट हो या ना हो, एंड इस इक्विपमेंट की भी कोई ज्यादा प्राइस नहीं है, 1200-1200 में आ जाता ही है। और ऐसा तो लोग मैंने काफी वीडियोज में देखे हैं, बना भी लेते हैं घर पे भी। तो इसके बाद मेरे एक्सरसाइज के इनका नंबर आता है, जो कि ये करता हूँ मैं 15 15 20 20 मिनट, ये पाँव निकाल के इस पे लगेंगे। तो इस तरह से दोस्तों मैं फ्री नहीं बैठता हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं है, जब स्टार्टिंग में शुरुआत के दिनों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, पूरा दिन लगा रहता था पूरा दिन। क्योंकि ये भी मैंने काफ़ी नोटिस किया है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार निखिल सर के मूवमेंट हो गया है, उनके इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, हमारे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को गौर से देखा जाए ना, तो निखिल सर ने जितनी एक्सरसाइज की थी, और उनकी एज भी आपको पता है कब इंजरी हुई थी और कितना कैसा उन्होंने रिकवर किया, उनकी मेहनत जितनी अगर मेहनत हम कर लेना, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ये मैंने देखा है। और एक मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने 5 6 साल हो गए थे उनकी इंजरी को, और बिल्कुल भी वो निराश हो गए थे, उन्होंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन कुछ मतलब कुछ टाइम बाद उन्होंने 4 6 महीने हुए हैं अभी तक, और उन्होंने ऐसे निखिल सर के मेरे वीडियोस देखे तो उनको लगा है, तो उन्होंने 4 5 महीने से एक्सरसाइज कर रहे हैं कंटिन्यू, अपना पूरा 100% दे रहे हैं वो, और उनके भी अब उनको हल्का हल्का इम्प्रूवमेंट फील हो रहा है उनको पाँव में। तो कहने का मतलब ये, एक्सरसाइज अगर आप करते हो कंटिन्यू, तो आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल स्टॉप ना करें और करते रहें, इन पाँवों में ताकत चली गई है, माइंड में ये रखना है पैरों की ताकत पूरी जा चुकी है, अब वापस ताकत लेके आनी है, तो कितना फोर्स से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, कितनी ताकत से, और कितना माइंड को एक जगह फोकस करके ही एक्सरसाइज करनी होगी, तब जाके हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब मैं पहले सोचता था कि सेंसेशन आएगा नहीं आएगा, इतना ही आ रखा है, लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मैं बाथरूम में नहा रहा था, तब मेरे को पानी पैरों पर जब मैंने डाला, तब मेरे को ऐसा फील हुआ था अजीब सा जलन सा, तो हाँ उस जगह मेरे को थोड़ा बहुत सेंसेशन फील होने लगा है, जो कि मैं आपको बताऊँ अपने ही थाई पे पीछे की साइड और घुटने से थोड़ा ऊपर वाला एरिया जो होता है, उस जगह मेरे को सेंसेशन फील हो रहा है। तो सेंसेशन आना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि आप बिना सेंसेशन के आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ जैसा कहीं फर्श पर चल रहे हो, या गीले पानी पर चल रहे हो, या फिर कहीं पर भी कोई गर्म आंगन है, ठंडा आंगन है, जैसे भी हो, उस जगह आपका फील होना बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन अभी मेरी पंजों में मेरे को हल्का फील ही होता है, लेकिन उस जगह पैरों में ऊपर की तरफ फील हो रहा है। अब आपको जैसे बताऊँगा, मैं जैसे ये थाई है, इसके ये बैक साइड है ना, इस जगह मेरे को सेंसेशन हल्का हल्का फील हो रहा है इस जगह, तो अच्छी बात है ये सेंसेशन आया अपने लिए। और दूसरा दोस्तों, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में सेक्सुअल कंडीशन के बारे में या सेक्सुअल लाइफ के बारे में जो कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की है, अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अपनी आईडी का,
उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को मैं ये एंड करता हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दें ताकि आपके पास हमारे आने वाले न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आ सके। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।